अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज़। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मुस्लिम थिंकर्स शाह वली उल्लाह। शाह वली उल्लाह वाज बॉर्न ऑन 21 फरवरी 1703 टू शाह अब्दुल रहीम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्पायर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के दौर में ये शाह वली उल्लाह पैदा हुए थे 21 फरवरी 1730 में। और शाह वली उल्लाह जो है वो अपनी रहमदिली की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। अब प्रोमिनेंट सूफ़ी एंड स्कॉलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली में एक मशहूर सूफ़ी और स्कॉलर के तौर पर इनका एक नाम था। इन्होंने कुरान पाक याद किया 7 साल की उम्र में। फिर उसके बाद इनका जो ज़्यादातर काम है वो अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर है। इन्होंने 14 साल की उम्र में शादी की। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना हनफिला, थियोलॉजी, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक और लॉजिक के अंदर अपनी तालीम को मुकम्मल किया। कुछ बुक्स इन्होंने लिखी हैं, उस बुक्स में शाह वली उल्लाह वाज अ प्रोलिफिक राइटर एंड रोट एक्सटेंसिवली ऑन फिक एंड हदीस। फिक एंड हदीस के ऊपर उन्होंने लिखा है, जिसमें फिक एंड हदीस के ऊपर इनकी जो है ना तकरीबन किताबें हैं 51 बुक्स हैं, जिसमें 23 इनके अरबिक में हैं और 28 जो है ना वो इनकी पर्शियन में है। अमंग इन फेमस वर्क्स आर द हुज्जतुल अलबलागल और इज़लालुल खफिया। डेथ इनकी फ्राइडे 29 मुहर्रम 1186 CH, 20 अगस्त 1762 एट जोहर प्रेयर इन ओल्ड दिल्ली। ही डाइड इन एज्ड 759। शाह वली उल्लाह टॉक्ड अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। उसने 4 स्टेजेस बताई हैं सोसाइटी के एवोल्यूशन की। फर्स्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी जिसमें फैमिली है, वो कहता है फैमिली जो है हमारा फर्स्ट एवोल्यूशन है सोसाइटी का और ये प्राइमरी स्टेज है हमारी सोसाइटी की। और इसकी उसने कुछ फॉर्म करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया है, जैसे कि स्मॉल ग्रुप्स हैं, मतलब फैमिली है तो फैमिली में हमारे स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, रेजिडेंस हमारे पास होती है और मैरिज एक यूनिट है फैमिली का, जिसमें लोग जो ना परफॉर्म लीगली कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और फिर जो ना कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली स्कोर जनरेशन टू जनरेशन लेके चलते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ सोसाइटी इज सोसाइटी, जिसमें क्लास जो ना वो अपनी डिज़ायर्स को अपने डिज़ायर को कैसे पूरा करती है, क्या मींस यूज़ करती है, क्या प्रिंसिपल्स उनके लिए बनाए जाते हैं और क्या कलेक्टिवली वो किस तरह से अपने स्टेटस को परफॉर्म करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। वो जितने भी कल्चरल नॉर्म्स हैं, कल्चरल मॉरल्स हैं, उनको वो परफॉर्म करते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेज ऑफ सोसाइटी में शाह वली उल्लाह ने कुछ पार्ट्स को डिवाइड किया है, जिसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, म्यूचुअल कॉपरेशन है, म्यूचुअल एक्सचेंज है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स में कि लोगों को गाइड किया जाता है, उनके लिए रूल्स हेड्स जो है ना वो अलॉट किए जाते हैं, लीडर्स जो है ना उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं प्रॉपर वेज क्या होते हैं, उनकी करेक्शंस की जाती हैं। म्यूचुअल कॉपरेशन पे ही हमारी सोसाइटीज चलती हैं, सोसाइटी की जितनी भी तरक्की है वो म्यूचुअल कॉपरेशन के ऊपर ही है। फिर म्यूचुअल एक्सचेंज सिस्टम है, हम बाहमी रजामंदी से जो चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। बार्टर सिस्टम पहले होता था, अब जो ना वो एक्सचेंज सिस्टम इन द सेंस ऑफ मनी है। थर्ड स्टेज ऑफ सोसाइटी इज स्टेट। स्टेज ऑफ सोशल एवोल्यूशन फॉलोज द सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ स्टेज टू। म्यूचुअल इंटरेक्शन अमंग सिटीजन्स कॉन्टिन्यू, मतलब सिटीजन्स के दरमियान जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है उसकी बेस पे जो ना हमारी स्टेट डेवलप होती है। स्टेट प्रोवाइड्स करती है सेफ्टी ऑफ अप्रूव्ड मॉरल्स, जितने भी हमारे मॉरल्स अप्रूव्ड हुए हैं सोसाइटी में स्टेट में वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। फिर पेनल्टीज दी जाती हैं अगर लोग इल बिहेवियर्स परफॉर्म करते हैं तो उनकी क्या सज़ाएँ हैं। जिहाद, हम बुरी चीज़ों को रोकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट जिहाद की फॉर्म में। फिर हम लोगों की वेलफेयर के लिए क्या काम कर सकते हैं, उसके जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, किन वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारा एवोल्यूशन थर्ड स्टेज ऑफ सोसाइटी स्टेट का रोल है। फोर्थ स्टेज ऑफ सोसाइटी में इंटरनेशनल स्टेट्स आती हैं, जिसमें हमारा रिलेशन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ होता है। हमारे सिटीजन्स डिफरेंट स्टेट्स में जाके, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके एक रोल प्ले करते हैं। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड द स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रिवेलेंट इन ईच कंट्री, मतलब क्वालिटी गवर्नेंस को देखा जाता है और उसके साथ स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ को देखा जाता है। द नीड फॉर दिस स्टेज अराइजेज व्हेन इंडिपेंडेंट रूलर्स आर टेम्प्टेड टू एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ टू देयर कंट्रीज, जिसमें लोग अपनी कंट्रीज की जो बाउंड्रीज हैं उनसे बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के जो ना लोगों के साथ जो अपने MOUs वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो फोर्थ स्टेज ऑफ सोसाइटी के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट जो है वो डील करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमेट सोसाइटी,
ही हैज़ डिस्क्राइब्ड फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन मॉरल्स, जिसमें पिटी है, फिजिकल एंड मेंटल, मतलब रहम दिली। हम अपने कंज्यूमेट सोसाइटी के कॉन्सेप्ट देखें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द शाह वलीउल्लाह ही डील्स अ इल बिहेवियर इन सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। लोग ऐसे बिहेवियर्स परफॉर्म करते हैं और सोसाइटी जो ना उनसे जो ना वो नुकसान में आ जाती है, सोसाइटी को बुरे तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पिटी है, फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकली और मेंटली जो है हम लोगों किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, ह्यूमिलिटी है, वर्शिप ऑफ गॉड होल हार्टेडली, हम खुदा की इबादत करते हैं पूरे दिल से तो हमें तस्कीन मिलती है। कंट्रोल वन सेल्फ फ्रॉम बैड एक्ट्स, हम बुरे आदात से खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, और जो ना अगर हम ठीक काम करें तो हमें जस्टिस और जो ना हमें बुरे कामों से जो बचने का एक लालच है वो एक बैलेंस रखता है, जस्टिस एंड बैलेंस। जस्टिस हमें बताता है कि हमने अच्छे काम क्या करने हैं और हमने कैसे बैलेंस रखना है चीज़ों को। थैंक यू।